हेलो एंड वेलकम टू जुपिटर ई क्लास। आई एम दीपक कुमार, पीजीटी कंप्यूटर साइंस एंड पीजीटी मैथमेटिक्स। दिस इज द सेशन ऑफ क्लास 11th एंड 12th कंप्यूटर साइंस। टुडे वी आर डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। दिस इज द लिस्ट, सो लेट्स मूव ऑन द सिलेबस फर्स्ट। ओके, दिस इज द सिलेबस। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था, स्ट्रिंग के सारे ऑपरेशंस को मैंने कंप्लीट किया था। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग लिस्ट को देखने वाले हैं। क्या होता है लिस्ट? ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि लिस्ट एक सिक्वेंशियल डेटा टाइप है जो म्यूटेबल टाइप होता है। इट मीन्स इसके डेटा को हम लोग अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसका डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन हैं जो दिख रहा है यार। ठीक है, इसके ऑपरेशन को करते हैं परफॉर्म। इसके बाद बिल्ट इन फंक्शन है, कुछ सजेस्टेड प्रोग्राम है। चलिए एक बार देखते हैं लिस्ट क्या होता है पहले, फिर अपन इसके ऑपरेशन पे आएंगे। तो हम लोग मूव करते हैं अपने जुपिटर नोटबुक की तरफ। ये अपना जुपिटर नोटबुक जहां हम लोग अभी तक के सारे कोड करते आए हैं। ठीक है, तो यहां हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले लिस्ट को। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट एक सीक्वेंस डेटा टाइप है जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। तो पाइथन के अंदर सीक्वेंस डेटा टाइप है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं डिफरेंट डेटा टाइप के वैल्यू का कलेक्शन होता है ये। चलिए इसके जल्दी से अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? ए लिस्ट इन पाइथन इज यूज्ड टू स्टोर द सीक्वेंस ऑफ वेरियस डेटा टाइप्स ऑफ डेटा। अ लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज और एटम्स ऑफ अ डिफरेंट टाइप। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है लिस्ट का। इसको बनाते कैसे हैं, क्रिएशंस कैसे करते हैं, नोटेशन क्या है, इसके लिए जैसे एल इक्वल टू अगर मान लीजिए हमने एक लिस्ट बनाया, तो यहाँ पे या तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं एल आई एस टी लिस्ट, और यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने मान लो यहाँ पे लिखा ए बी सी जो स्ट्रिंग डेटा है, 12 जो कि इंटीजर डेटा है, 12.8 जो कि फ्लोट डेटा है। आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट डेटा टाइप के डेटा को मैंने यहाँ लिस्ट के अंदर लिखा। दूसरा तरीका क्या है इसके लिखने का? एक और तरीका हो सकता है, और वो क्या है? L इक्वल टू मैंने लिखा यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करूंगा मैं, और यहाँ पे इसी डेटा को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आप किसी भी तरह से लिस्ट को लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से आप लोग लिस्ट को, इस दोनों में से कोई भी तरीका आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली हम लोग जो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे मोस्ट ऑफ द प्लेस आपको ये जो सेकंड मेथड है ये ज़्यादा यूजफुल होगा। तो इस तरह से लिस्ट को क्रिएट करते हैं हम लोग, या लिख देते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिस्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिस्ट। ठीक है, ये लिस्ट समझ में आ गया, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, कैसे बनाते हैं समझ में आ गया। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसके ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस में जैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम लोगों ने स्ट्रिंग में जो ऑपरेशंस किए थे वही ऑपरेशंस यहाँ करने वाले हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे ऑपरेशंस के बारे में, तो ऑपरेशंस है अपना कंकेटिनेशन, सॉरी लिस्ट, ये रहा लिस्ट, इंडेक्सिंग, पहले तो इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग के बाद लिस्ट ऑपरेशंस, कंकेटिनेशन, रिपीटेशन, मेंबरशिप एंड स्लाइसिंग। ठीक है, यही सारे ऑपरेशंस अपने को करने हैं। तो सबसे पहले इंडेक्सिंग समझ लेते हैं क्या होता है इंडेक्सिंग ऑफ अ लिस्ट। इंडेक्सिंग देखो क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसको बोलते हैं जीरोथ एलिमेंट। ठीक है, और ये सेकेंड एलिमेंट है, मतलब ये इसका लोकेशन है फर्स्ट। ठीक है, और ये सेकेंड, तो जीरो से आपको स्टार्ट करना है, यही इसका इंडेक्स है। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, एलिमेंट ऑफ लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द जीरो। ठीक है, फ्रॉम जीरो, तो जीरो से इसका इंडेक्स, इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा ऑलवेज। ठीक है, अगर आपको रिट्रीव करना हो तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग को समझाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ, यही लिस्ट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसी लिस्ट को, ठीक है, इसी लिस्ट को मैं कॉपी करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ लिखूँगा प्रिंट एल और यहाँ पे जीरो एलिमेंट, तो आप देखोगे ये ए बी सी आ गया। ठीक है, तो यहाँ ये क्या होता है, जीरो का मतलब होता है फर्स्ट या जीरोथ एलिमेंट, में लिख देता हूँ यहाँ पे
जीरोथ एलिमेंट ऑफ लिस्ट, ठीक है, ये तो हो गया जीरोथ एलिमेंट ऑफ लिस्ट। इसी तरह अगर लास्ट का करना है तो आप वो प्रिंट, अगर एल बस में प्रिंट कराऊंगा तो सारे के सारे एलिमेंट हो गए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, रिट्रीव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। तो इस तरह से इंडेक्सिंग करते हैं लिस्ट का, आपको याद रखना, ठीक है। नेगेटिव इंडेक्सिंग का क्या मतलब होता है, जो लास्ट से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव इंडेक्सिंग फर्स्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है। और बाकी के जो इसके ऑपरेशन हैं उसको हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं, बाकी के जो ऑपरेशन हैं वो स्लाइसिंग जब करेंगे तो इंडेक्सिंग ज़्यादा बेटर अपने को समझ आएगी। तो ये तो थी कहानी इंडेक्सिंग की, अब आते हैं अपन लिस्ट ऑपरेशंस के ऊपर, लिस्ट ऑपरेशंस के ऊपर। चलिए एक बार फिर से लिस्ट ऑपरेशन को समझते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लिस्ट ऑपरेशंस, पहला ऑपरेशन आपको पता है कंकेटिनेशन होता है। कंकेटिनेशन में क्या होता है, टू और मोर देन टू स्ट्रिंग को या लिस्ट को हम लोग ऐड करेंगे, ऐड और कंकेटिनेट, कंकेटिनेट टू और मोर लिस्ट, टू और मोर लिस्ट, ठीक है। टू और मोर लिस्ट को हम लोग कंकेटिनेट या ऐड करेंगे, इसको बोला जाएगा कंकेटिनेशन, ठीक है। चलिए कंकेटिनेशन के एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे मैं एक लिस्ट लेता हूँ कंकेटिनेशन, ठीक है, ये है अपना कंकेटिनेशन एग्जाम्पल। अगर मैं इसके कंकेटिनेशन के एग्जाम्पल लूँ, एन वन अपना एक लिस्ट है, अगर मैं इसी को इसे करता हूँ तो एल वन मान लो हमारा ये एक लिस्ट है, और दूसरा लिस्ट मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ एल टू नाम से, जिसमें मैं लिखता हूँ मान लो डी ई एफ 2.5, ठीक है। तो दो लिस्ट हैं, अगर इस दोनों को हमको ऐड करना है, कंकेटिनेट करना है, तो मैं लिखूंगा प्रिंट L1 प्लस L2, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे L1 में L2, तो 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये सारे एलिमेंट आ गए, इसको बोलते हैं कंकेटिनेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, पहले L1 का डेटा L2 के डेटा के साथ मिक्स्ड होके आएगा, इसको बोला जाएगा कंकेटिनेशन। दूसरा जो था वो था रिपीटेशन, रिपीटेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक ही लिस्ट बार बार रिपीट आएगा, मेनी टाइम्स इसको रिपीट कर सकते हैं। रिपीटेशन में क्या तो होगा, रिपीटेशन ऑफ लिस्ट इन मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स एक ही लिस्ट को हम लोग रिपीट करेंगे तो इसको क्या बोला जाएगा, रिपीटेशन। चलिए रिपीटेशन को भी हम लोग समझते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ। तो रिपीटेशन, रिपीटेशन, चलिए इसी दोनों लिस्ट के बीच में मैं एक बार रिपीटेशन करवाऊंगा। एक्चुअली हमको दो तो नहीं चाहिए था रिपीट कराने के लिए, एक ही लिस्ट के हो जाएगा। चलिए इसी लिस्ट को मैं रिपीट कराता हूँ टू टाइम्स। तो टू टाइम्स रिपीट कराने के लिए आपको ऑलरेडी पता है, हम लोग करे हैं पिछले, इसमें हमने ऐसे लिखा तो दो बार ये लिस्ट की वैल्यू रिपीट हो गई, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटेशन। तो मे बी कंकेटिनेशन क्या होती है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, रिपीटेशन क्या होती है समझ में आ गई होगी। तीसरा जो ऑपरेशन है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मेंबरशिप, मेंबरशिप। मेंबरशिप में हम लोग चेक करते हैं कि डेटा लिस्ट का मेंबर है कि नहीं, ठीक है। इसमें चेक करते हैं, जो चेक द फाइंड द डेटा, फाइंड द डेटा इज द मेंबर, डेटा इज मेंबर ऑफ लिस्ट और नॉट, ठीक है। तो लिस्ट का मेंबर है या नहीं है इसको चेक करने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, मेंबरशिप ऑपरेटर का। तो चलिए मेंबरशिप ऑपरेटर को देख लेते हैं जल्दी से हम लोग इस वाले केस में। तो यहां मैं लिखूंगा मेंबरशिप। आपको पता है दो होते हैं, मैं बार बार बताता हूँ, नॉट इन और इन, दो ऑपरेटर होते हैं मेंबरशिप को चेक करने के लिए। तो जैसे मैंने एक लिस्ट मान लो लिखा, यहाँ पे एक लिस्ट आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिखा प्रिंट ए बी सी, ए बी सी
इन एल वन, ठीक है। अगर ये अवेलेबल होगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो चूंकि एबीसी अवेलेबल है लिस्ट के अंदर तो ये रिटर्न किया ट्रू। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे नॉट इन लिखूं, अगर मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 15 को ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं 15 नॉट इन एल वन, तो ये ट्रू आएगा क्योंकि 15 ऑलरेडी नहीं है, नॉट इन इन का उल्टा काम करता है, तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर का काम है, जो आप लोग को समझ में आ गया। स्ट्रिंग में भी मैंने इस चीज को समझाया था, इसलिए मैं ज्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को समझाते हुए आगे बढ़ते जा रहा हूँ। स्लाइसिंग का क्या होता है, पीस वाइज हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, इसको बोलते हैं स्लाइसिंग। तो जो फोर्थ नंबर का अपना ऑपरेशन है वो है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग स्लाइसिंग में क्या करते हैं, रिट्रीव द पर्टिकुलर, या अगर कहें अपन डेटा ऑफ पर्टिकुलर लोकेशंस कहें, या ऐसे कहें जो रिट्रीव दी पीस ऑफ लिस्ट, पीस ऑफ लिस्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिस्ट, फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो लिस्ट है इसमें से हम लोग उसके कुछ पीसेस को अलग कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, उसके सबसेट को, या यह सबसेट ऑफ लिस्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पे, सब सब लिस्ट, ठीक है, रिट्रीव द सब लिस्ट ऑफ लिस्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिस्ट, तो ये ज्यादा बेहतर डेफिनेशन होगा। चलिए स्लाइसिंग का भी समझते हैं हम लोग कंसेप्ट को। स्लाइसिंग, तो स्लाइसिंग में जैसे एक लिस्ट है हमारे मेरे पास ऑलरेडी है, अब इसमें से मैं डेटा को रिट्रीव करने का कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू डू, ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये पूरा लिस्ट मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट चाहिए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे L1, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जीरो से स्टार्ट होता है और फर्स्ट तक चाहिए, जीरो और वन चाहिए, तो हमको यहाँ टू लिखना पड़ेगा, तो आप देखोगे यहाँ पे दो एलिमेंट आपको मिल गया, ठीक है। दूसरा, अगर मैंने बताया था किसी भी लिस्ट को या स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो उसके लिए क्या तरीका है, जो कॉलन कॉलन माइनस वन आप लिख दो तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो इसको ये क्या है, रिवर्सिंग अ लिस्ट, ये एक अलग ही ऑपरेशन है रिवर्सिंग अ लिस्ट। क्यों होता है नेगेटिव, ये चीजें मैं स्ट्रिंग में भी क्लियर किया हूं, ठीक है, तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसके बाद एक और देखते हैं, अगर मान लो मैं L1 और सिर्फ कॉलन दे दिया तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा लिस्ट हमको दे देगा, ठीक है, कॉलन अगर मैं दे दिया तो ये पूरा पूरा लिस्ट हमको दे देगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या करता है ये, और पूरे लिस्ट को लिखता है, तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट एंटायर लिस्ट, एंटायर लिस्ट, ठीक है। तो ये थे हमारे ऑपरेशंस, इसके अलावा एक और ऑपरेशंस था ट्रैवर्सिंग, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया था, तो मैं एक बार यहाँ भी मेंशन कर देता हूँ ट्रैवर्सिंग को, ठीक है। ट्रैवर्सिंग का मतलब मैंने बताया था, हर एक नोड पे अगर आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रैवर्सिंग ऑफ लिस्ट का मतलब हुआ प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, ठीक है, एक एक लाइन में हम एक एक एलिमेंट को कराते जाएंगे प्रिंट, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा, ट्रैवर्सिंग, ठीक है। अगर मूव करते हैं तो प्रिंट नहीं, एक्चुअली इसमें होता है मूव, मूव ऑन ऑल द एलिमेंट्स, ऐसे एक्चुअल डेफिनेशन ये है, मूव ऑन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, ऑफ लिस्ट, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, ठीक है, ये होता है। लेकिन चूंकि हमको पता तो चलेगा नहीं हमने मूव किया, इसके लिए हमको क्या प्रूफ चाहिए, अगर आपने मूव किया है तो आपको उसको अगर प्रिंट करा लेते तो हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली में हमने मूव किया है वहां पे। चलिए देखते हैं ट्रैवर्सिंग, थ्योरी से ज्यादा अच्छा रहता है इन सब चीजों में प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल करते हैं तो ज्यादा बेहतर समझ में आता है। चलिए इसमें भी मैं यही यूज करूंगा L1, और यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को 4i in L1 लिखिए और प्रिंट करा दीजिए इसको i को, क्योंकि i एक ऐसा वेरिएबल है जो L1 के सारे एलिमेंट्स पे मूव कर रहा है, तो देखेंगे आप वन बाय वन सारे के सारे डेटा प्रिंट हो गए हैं। दूसरा, मैंने अल्टरनेट मेथड भी आपको बताया था इसके अंदर, ठीक है, तो अल्टरनेट मेथड भी हम लोग देख लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ
अल्टरनेट। अब लोग एक वेरिएबल ले सकते हैं, फोर आई के जगह मैं यहाँ जे ले लेता हूँ, जे रेंज कहाँ से कहाँ तक, जीरो से स्टार्ट होगा रेंज और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक जाएगा, स्ट्रिंग नहीं यहाँ लिस्ट है तो लेंथ ऑफ लिस्ट तक जाएगा, और प्रिंट करके हमको देगा क्या एल वन का आई थे एलिमेंट या सॉरी जे थे एलिमेंट। तो भी आप देखेंगे जो ए बी सी 12 1.8 आ गया। तो ये सारे ऑपरेशंस हैं लिस्ट के जिसको हम लोगों को सीखना था, हम लोगों ने सीख लिया। और अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हैं कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन जिसके हेल्प से हम लोग लिस्ट को यूज करना सीखेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन सम इम्पोर्टेंट प्री डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शंस को हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहले इंसर्ट करने के लिए अपेंड यूज होता है और ऐड यूज होता है, ठीक है। इसका काम क्या रहता है, इंसर्ट द डेटा इनसाइड द लिस्ट। लिस्ट के अंदर अगर आप डेटा को क्या करना चाहते हैं, इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो आपके पास दो फंक्शन होते हैं, एक अपेंड और एक ऐड फंक्शन, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं कैसे करा सकते हैं। तो चलिए एक L2 करके मैंने लिस्ट बनाया, ठीक है, ये एम्प्टी लिस्ट होती है, आपको समझना पड़ेगा ये एम्प्टी लिस्ट है, इसमें कुछ डेटा हो भी सकता है कुछ डेटा नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये एक एम्प्टी लिस्ट है। तो मैं एम्प्टी लिस्ट भी यहाँ समझा देता हूँ, दिस इज कॉल्ड एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसमें कुछ अपेंड करना चाहता हूँ तो एल टू डॉट में लिखूंगा अपेंड और यहाँ पे मैं डेटा पास कर दूंगा, जैसे मैंने एबीसी पास कर दिया एबीसी। अब अगर अब आप ये हमारा डेटा पास हो चुका है, अब अगर आप प्रिंट एल टू को करवाओगे प्रिंट एल टू तो देखो एबीसी ऑलरेडी आ गया है इसके अंदर, ठीक है। एक दो और डेटा मैं पास करा देता हूँ एल टू डॉट अपेंड, मान लो 78 मैंने इसके अंदर पास करा दिया, ये आ चुका है। तो अब प्रिंट L2 करूंगा मैं तो आप देखोगे दो डेटा इसके अंदर आ चुका है ABC और 78। तो अपेंड के हेल्प से हम डेटा किसी भी लिस्ट के इनसाइड में पुट कर सकते हैं। लेकिन फिर ऐड का क्या यूज होता है, देखो अपेंड में जब भी हम डेटा करेंगे तो ये एंड ऑफ द जहां पे कर्सर होगा मतलब लास्ट लोकेशन जो लिस्ट का होगा वहां पे होगा। जैसे एबीसी करा तो एबीसी सबसे पहले हुआ, फिर 78 किया तो पहले ये लास्ट में आया। अगर आप चाहते हैं जो इसको पहले करें इसको बाद में करें, या लोकेशन से आप डील करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपेंड से काम नहीं होगा, यहाँ पे आप लोगों को ऐड का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए ऐड फंक्शन का यूज करके भी देखते हैं, ठीक है। ऐड फंक्शन का यूज करने के लिए जैसे फिर से मैंने लिखा यहाँ पे एल टू डॉट ऐड, ठीक है, और ऐड के लिए पहले आपको डेटा पहले लोकेशन लिखना है फिर डेटा देना है। तो मैंने लिखा जीरोथ लोकेशन पे 23 ऐड कर दो, ठीक है। तो अब अरे सॉरी ये गलत बता रहा है, देखना पड़ेगा एरर क्या आया। देखिए मैं हमें हर चीज़ आप लोगों के सामने करता हूँ ताकि आप लोग को आपको दिखे जो कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। लिस्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऐड, इसने बता रहा है ऐसा कोई एट्रीब्यूट हमारे पास नहीं है, सही में नहीं है, एक्चुअली यहाँ ऐड नहीं इंसर्ट एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, ऐड नहीं एक्चुअली यहाँ पे इंसर्ट एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है, ठीक है, इंसर्ट एट्रीब्यूट का, ठीक है। तो अब ये इंसर्ट हो गया, अगर मैं फिर से प्रिंट करवाऊंगा L2 को तो आप देखोगे 23 जो है जीरोथ लोकेशन पे आ गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले लिखा था लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड का इंसर्ट फंक्शन इज यूज टू इंसर्ट डेटा ऑन डिजायर्ड लोकेशन। अगर आप किसी डिजायर्ड लोकेशन में डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए इंसर्ट फंक्शन है, अदरवाइज अपेंड फंक्शन है। मे बी ये दोनों फंक्शन समझ में आ गया होगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट हम लोग फंक्शन पे चलते हैं जो है डेटा रिमूव करने के लिए। तो इसके लिए एक है रिमूव हमारे पास और दूसरा है पॉप, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर दो चीज़ें हैं रिमूव एंड पॉप, जिसके हेल्प से हम लोग डेटा को रिमूव कर सकते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं क्या रिमूव क्या कैसे काम करता है और पॉप कैसे काम करता है, ठीक है।
तो जैसे मैंने इसी को मैं एक बार फिर से L3 बना लेता हूँ। चलिए मैं L3 बना लेता हूँ, जिसके अंदर में मान लीजिए कुछ डेटा है, ABC है, इसके अंदर 23 है डेटा, 45 है डेटा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ L3 डॉट पॉप और 23, ठीक है, सॉरी रिमूव, L3 डॉट रिमूव 23, तो L3 से ये रिमूव हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट L3, तो ये डेटा आप देख सकते हैं यहाँ से रिमूव हो गया है 23, ठीक है। तो अगर आप किसी डेटा, आपको पर्टिकुलर डेटा पता हो, तब आप लोग रिमूव के हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा डिलीट डिलीट डेटा बाय द डेटा वैल्यू, बाय द डेटा वैल्यू। अगर डेटा का वैल्यू पता हो आपको, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं इसको रिमूव। लेकिन अगर आपको लोकेशन सिर्फ पता हो, तो लोकेशन से रिमूव करने के लिए आपको पॉप यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जो सेकेंड फर्स्ट वाला हो जाए, ठीक है। तो आप देखेंगे 45 को इसने रिमूव कर दिया, ठीक है। अगर मैं अब प्रिंट L3 करवाऊंगा, तो आप देखेंगे सिर्फ ABC बचा, क्योंकि तो एक जैसे ही हमने 23 को रिमूव किया था, तो हमारे पास दो डेटा बचे थे, ABC और 45। फिर हमने फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर दिया, तो ये जीरो था, ये फर्स्ट था, तो फर्स्ट एलिमेंट रिमूव हो जाने के बाद हमारे पास सिर्फ ABC बचा। तो इसका पॉप का क्या काम होता है, डिलीट डेटा बाय लोकेशन। ये लोकेशन के हेल्प से डेटा को डिलीट करता है, जबकि रिमूव डेटा को वैल्यू के बेसिस पे करता है। तो रिमूव और पॉप का ये चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा मैक्स मीन और सम का कुछ रहता है, चलिए उसको भी देखते हैं हम लोग। अगर अपने पास, सबसे पहले तो मैं सॉर्ट का एग्जाम्पल देता हूँ। सॉर्ट का क्या मतलब होता है, जो आपको किसी ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर कन्वर्ट कर दे हमारे लिस्ट को, तो हम लोग कहते हैं इसको जो सॉर्ट कर दिया हमारे डेटा को, ठीक है। तो सॉर्ट का क्या मतलब है, असेंडिंग और, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब लोग थोड़ा स्पेलिंग को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि उतनी अच्छी हमारी स्पेलिंग पे पकड़ नहीं है। तो सॉर्ट में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये कन्वर्ट करेगा। तो चलिए हम लोग L4 करके एक लिस्ट लिया, जहाँ पे हमने, हमारे पास 13 है, 45 है, 67 है, 78 है, 78, इसको मैं 87 कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं 95 कर दे रहा हूँ। अब अगर इस लिस्ट को अपने को सॉर्ट करना है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा प्रिंट प्रिंट L4 डॉट सॉर्ट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इसने इस चीज को सॉर्ट करा है, L4 को सॉर्ट कर दिया। एक्चुअली नन ये रिटर्न कर रहा है, जबकि इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, सॉर्ट के अंदर L4 को पास करना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा, तभी ये जो है L4, ओके। तो सॉर्ट इज नॉट डिफाइन, सॉर्ट को ये डिफाइन नहीं कर रहा है, एक बार मैं सॉर्टेड देखता हूँ। यस, तो देखो सॉर्टेड के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। अब ये आप लोगों को दिख रहा होगा 13, 78, 87 और 95। तो अगर किसी लिस्ट को आप सॉर्ट करना चाहते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसके हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। एक और सॉर्टेड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉर्टेड, ठीक है। सॉर्ट के हेल्प से भी होता है ये चीजें, लेकिन चूंकि अभी इसने नन रिटर्न किया, सॉर्ट के आप हेल्प पे पता कर सकते हैं कि इसमें ये सॉर्ट है कि नहीं है। सॉर्ट का मैं थोड़ा सा मैं चेक करूंगा, हालांकि सॉर्टेड ही है आपके सिलेबस में। तो चलिए, सॉर्टेड तो आपको लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद सम का, ठीक है। सम जैसे कि पता है, तो ये क्या रिटर्न करने वाला है, सारे के सारे डेटा का सम। तो ये सारे डेटा को सम करने के बाद क्या आएगा, वो चीजें रिटर्न करेगी। अगर ये मेथड होगा तो ऐसे काम करेगा, ठीक है। अगर यहाँ देखो ये एरर दे रहा है, तो ये मेथड नहीं है एक्चुअली, इसलिए ये एरर दे रहा है। अदरवाइज आप यहाँ पे अगर L4 लिखेंगे, तो ये एक सबको समेशन आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये सारे फंक्शन है, न कि मेथड है, ठीक है। इसके बाद हम लोग मीन और मैक्स भी देख लेते हैं।
मीन और मैक्स, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं यहां पे प्रिंट मीन और यहां पे मैं L4 को पास कर दूं, L4 को पास कर दूं, तो आप देखोगे यहां पे मिनिमम डेटा आपके पास मिल गया। इसी तरह मैक्स के लिए अगर मैं प्रिंट और यहां पे लिखता हूं मैक्स और L4 देता हूं, तो आप देखोगे आपका मैक्सिमम डेटा यहां पे आ गया है। ठीक ठीक है। तो मीन मैक्स सम रिमूव इंडेक्स ये सारे। अच्छा इंडेक्स का भी, इंडेक्सिंग भी मैं समझ, इंडेक्सिंग तो मैंने उसे बता ही दिया था आपको। चलिए इंडेक्स का फंक्शन भी देख लेते हैं, इंडेक्स क्या करता है। तो इंडेक्स में क्या होगा आपका, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट L4 के लिए ही मैं लिखता हूँ इंडेक्स L4 डॉट इंडेक्स, तो बिल्ट इन मेथड इंडेक्स फॉर लिस्ट ऑब्जेक्ट। इसने इसके अगर आपको इंडेक्स को प्रिंट कराना है तो ये कराना पड़ेगा, एटलीस्ट वन आर्गुमेंट इसको चाहिए होता है इंडेक्स को दिखाने के लिए। तो अगर मैं इसके लिए L4 दूं कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इंडेक्स को भी फिलहाल अपन रहने देते, देखता हूँ एक बार मैं सिलेबस आप लोग को भी बताता हूँ। ये सिलेबस में हम लोगों ने अभी तक में इंसर्ट कर लिया, अच्छा एक काउंट फंक्शन अपना बचा है, एक इंडेक्स बचा हुआ है और एक इधर सारा हो गया है, एक सॉर्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो इंडेक्स काउंट और सॉर्ट को हम लोग अभी कर ले रहे हैं कि इंडेक्स के लिए क्या यूज होगा, सॉर्ट के लिए क्या। देखो सॉर्ट का सिंपल सा मतलब क्या रहता है, जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के लिए हम लोग सॉर्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इंडेक्स इंडेक्स इसके बाद सॉर्ट और एक हमारे पास था काउंट, चलिए इसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। तो अगेन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये एरर क्यों दे रहा है। शॉर्ट को पहले देखता हूँ मैं, शॉर्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। इससे पहले मैंने यहाँ यहीं पे मैं शॉर्ट को करता हूँ, तो चलिए मैं शॉर्ट में यहाँ पे देखता हूँ ये एरर क्यों दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ L4 डॉट शॉर्ट, ठीक है, और प्रिंट करवाता हूँ L4 को, देखिए तो हमने प्रिंट L4 डॉट शॉर्ट करवाया और प्रिंट L4 को करवाया, तो ये डेटा आपको सॉर्टेड फॉर्मेट में दे दिया, ठीक है। तो ये क्या करता है, कंप्लीट L4 को सॉर्ट कर देता है। अब अगर L4 ही आपका सॉर्ट हो गया, जबकि ये जो है सॉर्टेड ये क्या कराता है, L4 को क्यों ये चेंज नहीं करता है, आप जो डेटा प्रिंट करवा रहे हैं बस उसको ये चेंज करता है। तो ये तो सॉर्ट का हो गया, काउंट का भी हम लोग यही देख लेते हैं क्या होता है। चलिए काउंट का भी हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ काउंट करके देगा आप में कितने एलिमेंट हैं। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ काउंट लिखता हूँ, ठीक है, या अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट L4 डॉट काउंट लिखूंगा तो ये भी काम करना चाहिए, ठीक है। L4 डॉट काउंट नहीं काम कर रहा है, क्या बता रहा है, काउंट वन आर्गुमेंट, ये काउंट वन आर्गुमेंट एट लिस्ट लेता है। चलिए इसमें वन आर्गुमेंट इसको पास करके देता हूँ मैं L4, फिर भी ये एरर बता रहा है काउंट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो एक्चुअली ये काउंट इसका नहीं काम कर रहा है, काउंट फंक्शन जबकि करना चाहिए था काउंट को काम। काउंट 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 में क्या दिक्कत आ सकती है, शॉर्ट आपको समझ में आ गया, इंडेक्स चलिए एक बार इंडेक्स और काउंट को मैं देखता हूं। ठीक है, देखो इंडेक्स को करने के लिए सबसे पहले तो अपने को एक्स्ट्रा लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी जो हमने अभी तक जानते नहीं है, तो नंपाई लाइब्रेरी हमको चाहिए होगा इसके लिए। तो इसलिए अभी इंडेक्स को हम लोग
ठीक है। तो हम लोग अभी जो है इंडेक्स को छोड़ देंगे, प्रिंट काउंट को छोड़ेंगे अभी, और इंडेक्स को छोड़ेंगे, ये दो चीज़ों को मैं अभी छोड़ दूंगा। और ये सारे जो आप देख रहे होंगे ये सारे फंक्शन सॉर्टेड असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए जो भी फंक्शंस यूज होते हैं, ये सारे के सारे हमने फंक्शंस यहाँ पे कर लिए, जो आप लोग सिलेबस में देख सकते हैं। लिस्ट को लगभग लगभग हम लोगों ने खत्म कर दिया। हाँ, कुछ प्रोग्राम इसके अंदर बच गए। देखो, फाइंडिंग द मैक्सिमम कर लोगे आप लोग, मिनिमम कर लोगे, मीन कर लोगे, वैल्यू सॉर्टेड इन अ लिस्ट, लीनियर सर्च प्रोग्राम क्या होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे जब हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। लीनियर सर्च प्रोग्राम क्या होता है, ऐसे आप लोग अभी भी वैसे कर सकते हो, लीनियर सर्च ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले क्लास में टपल्स। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।